अरे दोस्तों, ये पार्टी शार्टी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि किसी का बर्थडे है आज। मुझे तो लगता है कि ये शर्मा जी के घर से आवाज आ रही है। चलो फटाफट जाकर देखता हूँ आखिर यहाँ पर हो क्या रहे। अरे दोस्तों, यहाँ पर तो लगता है कि आज किसी का बर्थडे है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मस्त वाली कार पड़ी हुई है और क्या ही पार्टी चल रही है यहाँ पर तो। बाप रे बाप, लगता है कि आज तो शर्मा जी के बेटे का बर्थडे है और यहाँ पर तो कितने सारे केक और गिफ्ट पड़े हैं। वैसे दोस्तों, आज तो मेरा भी बर्थडे है, लेकिन मैं कैसे बर्थडे मनाऊं? मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है। अरे वाह, क्या मस्त पार्टी है, मजा आ गया। अरे हाँ, क्या मस्त पार्टी है, ऐसे बर्थडे पार्टी तो आज तक मैंने नहीं देखी। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, ऐसी बर्थडे पार्टी तो मैंने भी नहीं देखी, मजा आ रहा है। अरे वाह, क्या मस्त पार्टी है, मजा आ रहा है। तोड़ दूंगा, अरे फोड़ दूंगा, क्या मस्त पार्टी है, अरे मजा आ गया, खा पी गया। अरे डस लूंगा, क्या पार्टी है, मजा आ रहा है, अरे वाह मजा ही आ गया आज तो। हल्को भी मजा आ रहा है पार्टी में, हल्को बर्गर बहुत पसंद है, मजा आ गया पार्टी में। अरे मैंने तो अपने जीवन में ऐसी पार्टी नहीं देखी। अरे वाह, अरे वाह दोस्तों, यहाँ पर तो शर्मा जी के बेटे को बहुत सारे गिफ्ट मिले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली गाड़ी मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर तो इसको रेडियो कंट्रोल कार भी मिली है। दोस्तों यार, मुझे भी रेडियो कंट्रोल कार चाहिए, आज तो मेरा भी बर्थडे है। अरे पापा, ये सिंचन को किसने मेरे बर्थडे में बुलाया, भगाओ इसको यहाँ से। हाँ हाँ बेटे, अभी भगाता हूँ। अरे सिंचन छुटकू, चल बाहर निकल यहाँ से, तुझे पता नहीं क्या, ये अमीरों की पार्टी है, तू यहाँ पर क्या कर रहा, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कैसा कैसा लोग पार्टी में घुसाते हैं, पार्टी का मूड खराब कर दिया। ये लोगों ने तो मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, मेरा बर्थडे है और ऊपर से मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मुझे भी बर्थडे मनाना है। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे, मुझे मेरा बर्थडे मनाना है, प्लीज मेरी मदद करो। अबे शिंचन यार, देख के तो चल, तूने इतनी जोर से धक्का मारा, सीधा मेरा मुंह जाके टट्टी पे गिरा, क्या ही करता रहता है। और तेरा आज बर्थडे है क्या, हैप्पी बर्थडे शिंचन। और दोस्तों यार, आप लोग भी फटाफट से कमेंट में जाके सब लोग शिंचन को हैप्पी बर्थडे विश कर दो, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दो। और शिंचन, तू क्या बोल रहा है कब से? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करो ना प्लीज। बाजू में देखो ना, शर्मा जी के लड़के के बर्थडे, वो लोग कितने धूमधाम से बर्थडे मना रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लड़की को तो रेडियो कंट्रोल कार भी गिफ्ट में मिली है, और सब लोग झूम झूम के नाच रहे, पार्टी कर रहे हैं, और बहुत मस्त मस्त चीजें खा रहे, केक खा रहे थे, चिप्स खा रहे थे, समोसे खा रहे थे, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, प्लीज मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। यार शिंचन यार, तुझे तो पता ही है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, हमारे पास तो यार पैसे नहीं कि हम लोग ठीक से खाना खा सके, तेरा बर्थडे कहाँ से सेलिब्रेट करूंगा। चल फिर भी रुक, तेरे लिए कुछ ना कुछ देखता हूँ, आ जा मेरे साथ यार, हम लोग कहीं पर जाके कुछ छोटा मोटा सा काम ढूंढ लेते हैं, फिर उससे जो पैसे आएंगे ना उससे मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दूंगा। आ जा, हम लोग फटाफट से ये वाली गाड़ी से जाते हैं। और यहाँ पर मैं गाड़ी में तो बैठ गया, लेकिन यार ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ये गाड़ी भी आपकी तरह बिल्कुल खटारा हो गई है, मैंने आपको 10 बार बोला है कि गाड़ी बदल लो, नई गाड़ी ले लो, लेकिन आप हो कि गाड़ी लेते ही नहीं हो। शिंचन यार, अभी तो मैंने तुझे बोला हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो यार मैं गाड़ी कहाँ से खरीद दूंगा। अच्छा ये देख यार, सिंचन मस्त गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो फटाफट से यार कोई जगह पर जाते हैं और कोई काम ढूंढते हैं यार, ताकि मैं थोड़े से पैसे कमा पाऊं, ताकि यार हम लोग तेरा यार छोटा मोटा बर्थडे तो मना सके, तभी तो मजा आएगा। अरे आप ये क्या बोल रहे, छोटा मोटा बर्थडे नहीं मनाना मुझे, मुझे बहुत बड़ा बर्थडे मनाना, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला, मुझे बहुत बड़ा बर्थडे मनाना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है यार, मैं ट्राई करता हूँ तेरा ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला बर्थडे मनाने का। सो गाइस यार, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए, शायद हमें यहाँ पर कोई काम मिल जाए यार, जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। चलो यहाँ पर मैंने गाड़ी तो पार्क कर दी, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या बातें चल रही हैं? अरे तुम लोग को पता है कि आज हमारा वो राजू नहीं आया गाड़ी वाला, और हम लोग को आज ये वायर और यहाँ पर ये रखी हुई सीमेंट की गोनी पहुँचानी है, पता नहीं कैसे पहुँचाएंगे हमारे मैनेजर। गाइस यार, जैसा कि मैंने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर इनका कोई ड्राइवर नहीं आया, और इनको यार कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वायर और कुछ सीमेंट या फिर ऐसा कुछ पहुँचाना है, रुको इनके मैनेजर को ढूंढ लेता पहले। अच्छा ये रहा इनका मैनेजर। अरे मैनेजर भाई साहब यार, आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? मैंने वैसे भी सुना कि आपको किसी की मदद की जरूरत है। हाँ हमें मदद की जरूरत तो है, यहाँ पर जो सीमेंट की गोनी रखी हुई है वो सब और एक वायर है ना, दूसरे हमारे कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पे पहुँचाना था। अच्छा भाई साहब, बस इतनी सी बात है क्या? ये काम तो मैं कर देता हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। ये रहा यहाँ पर ये वायर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर इतने सारे सीमेंट वाले बॉक्सेस पड़े, लगता है कि हमें इसी को लेके जाना है।
चलो गाइस यार फटाफट मैं इसे अपने गाड़ी के ऊपर लाद देता हूँ। ओके सो गाइस यार बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली इसे मैंने गाड़ी पर लाद दिया है। चलो फटाफट लेके इसे दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, मुझे तो आपको इतना मेहनत करते हुए देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे नहीं मनाना ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला बर्थडे, रहने दो चलेगा, आप इतना मेरे लिए मेहनत कर रहे हो वही बहुत है। नहीं नहीं यार सिंजन तेरा बर्थडे तो आज हम लोग मना के ही रहेंगे, वो भी यार एकदम ग्रैंड वाला। ओके सो गाइस यार यहाँ पे मैंने सारी चीजों को लाद तो लिया है, अब मुझे फटाफट इसे कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे डिलीवर करना है, फिर मुझे वहां पर से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। देखते कि वो लोग कितने पैसे देते हैं। और गाइस यार आज ना हमें किसी भी हाल में सिंचन का एकदम ग्रैंड वाला बर्थडे मनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा सिंचन 5 साल का हो चुका है। तो चलो फटाफट पहले ये डिलीवरी कर देते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो, मुझे लगता है कि यही वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे हमें ये सारा सामान पहुँचाना है। हाँ सिंचन ये वही कंस्ट्रक्शन साइट है। सो गाइस यार यहाँ पे मैंने गाड़ी को तो लगा दिया है, चलो फटाफट इससे बात कर लेते हैं। अरे भाई साहब यार मुझे आपके मैनेजर ने भेजा है दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से ये सारा सामान लाकर, और उसने कहा था कि आपसे ही पैसे ले ले, तो मैंने आपका सामान यहाँ पर लाके रख दिया है, आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा भाई साहब आपको बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए ये सामान लेकर आए, ये लीजिए हमारी तरफ से आपको 100 रुपए देता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने इतनी मेहनत की और सिर्फ 100 ही रुपए मिले, 100 रुपए में तो फ्रैंकलिन भैया मेरा केक भी नहीं आएगा, अब हम लोग बर्थडे कैसे मनाएंगे। हाँ बे सिंचन यार मैं भी वही सोच रहा हूँ दोस्तों, यार मेरे को तो यहाँ पे पैसे भी नहीं मिले ज्यादा, सिर्फ 100 ही रुपए मिले, उतने में तो यार सिंचन का केक भी नहीं आएगा। अब यार हम लोग सिंचन का बर्थडे एकदम ग्रैंड वाला कैसे मनाएंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि मुझे और काम ढूंढना होगा। एक मिनट गाइस यहाँ पर ये तो लेडीज कुछ कर रही है, लगता है कि इनसे पूछ कर देखता हूँ। अरे आप लोगों के पास मेरे लिए कोई काम है क्या? भाई साहब मेरे पास आपके लिए कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, वहाँ पर एक गोल्डन मर्सिडीज आई है उसको देखने के लिए जा रही हूँ। यार सिंचन तूने सुना क्या, उसने बोला गोल्डन मर्सिडीज? हमारे लॉस सेंटोस में किसके पास गोल्डन मर्सिडीज है, वो यहीं कहीं भाग के आई थी, मुझे तो लगता है वो इसी बंगले के अंदर गई थी। गाइस यार एक मेरे पास मस्त वाला आइडिया आया है जिसकी मदद से यार हम लोग सिंचन का बर्थडे एकदम ग्रैंड सेलिब्रेट कर सकते हैं। अरे आपके पास क्या आइडिया है मुझे भी तो बताओ। सिंचन देख तो आइडिया ये है कि हम लोग ना वो गोल्डन वाली मर्सिडीज चोरी करेंगे, और तुझे पता है यार गोल्ड की जो कार होती है उसकी कीमत करोड़ों में होती है। एक काम कर तू यहीं पर मेरा इंतजाम कर, मैं फटाफट जाके चोरी करके आता हूँ। अरे गाइस यार मैं तो जाके दीवार में ठुक गया। आपसे दीवार तो चढ़ी नहीं जाती, आप क्या चोरी करोगे, मैं तो बोलता हूँ वापस आ जा वरना आपको यहाँ पर जो लोग है मार के भगा देंगे। सिंचन यार तू मुझे हल्के में ले रहा है क्या? यहाँ पर गाइस मैं ऊपर की तरफ तो चढ़ चुका हूँ, यहाँ पर ये छत के ऊपर आ चुका हूँ, और गाइस यार यहाँ पर ये क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग है यार जो उस कार की रखवाली कर रहे हैं। और गाइस यार ये तो होना ही था, क्योंकि आपको पता ही है कि यार गोल्डन मर्सिडीज है तो कोई भी इसको चोरी कर सकता है। आप लोग देख सकते हो गाइस वो रही वो गोल्डन मर्सिडीज, और भाई साहब यार क्या ही चमक रही है, लेकिन यार इतने सारे लोगों के बीच में से इसको चोरी करना तो मुझे नामुमकिन लग रहा है, लेकिन यार मुझे ये काम किसी भी हाल में करना ही होगा। एक काम करता हूँ, हाँ एक मेरे पास एक छोटी गन तो पड़ी हुई है, मैं उसको निकाल लेता हूँ, फिर सबको जाके धीरे धीरे पीछे से मारता हूँ। हाँ ये आइडिया एकदम बिल्कुल सही रहेगा। तेरी ऐसी की तैसी मेरा वीडियो बनाती है ले मुक्का खा। और गाइस यार यहाँ पर तो मैंने इसको अच्छा मजा चखाया, लेकिन गाइस यार यहाँ पर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ। फटाफट से मैं गन निकाल लेता हूँ, और भाई साहब यार यहाँ पर मैंने गन निकालती हूँ, ओ भाई साहब यार एक साथ इतने लोग मुझे मारने आ गए, इनकी ऐसी की तैसी आज तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, ये ले बेटे की मजा ना। और भाई साहब यार इसको तो क्या ही गोली मारे, लेकिन यार ये लोग भी कुछ कम नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से मारे। एक काम करता हूँ गाइस पीछे की तरफ, हाँ यहाँ पर छुप जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अपनी मैगजीन रिलोड कर लेता हूँ, अब इनको बताता हूँ। जरा संभल के वहाँ पर वो पत्थर के पीछे छुपा था। अरे वाह आपने तो उसको क्या ही मस्त वाला पट से हेडशॉट मारा, और उस बालकनी वाले को भी। फ्रैंकलिन भी आप सबको मार दो, मैं आपका गेट के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सिंचन आज तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और गाइस यार उसको भी मैंने ऊपर वाले को भी धो दिया। और भाई साहब यार यहाँ से कौन दो लोग गोली मारा, अच्छा ये ले बेटे तेरी ऐसे की तैसी। और गाइस यार मैंने इसको भी मार दिया, और यहाँ पर एक और था कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ये कब से मुझे परेशान कर रहा था। और गाइस यार इसको भी मैंने मार दिया, तो लगभग मैंने सारे लोगों को मार दिया है, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए इससे कि पहले और भी लोग। और गाइस यार आप लोग देख सकते हो ये चमचमाती हुई मर्सिडीज कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, चलो फटाफट इसे लेकर बाहर निकलता हूँ। अरे यार मेरे लिए तो रुको, मुझे भी गाड़ी में बिठा के लेके चले। हाँ सिंचन चल जल्दी बैठ। ओके सो गाइस यहाँ पर सिंचन बैठ चुका है, और हम लोग गाड़ी लेके निकल चुके हैं। एक मिनट गाइस मैं बैरी को फोन कर देता हूँ, मेरा दोस्त है ना बैरी, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, और आपको तो पता ही होगा बैरी लॉस सैंटोस का बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है, और उसके पास लग्जरी
लग्जरियस गाड़ियों का कलेक्शन है वो पक्का ये मेरी गाड़ी खरीद लेगा। हेलो बैरी, मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ, मैं ना तेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा मस्त वाली गोल्डन मर्सिडीज लेके आ रहा हूँ, खाली तू पैसे तैयार रख। क्या बात कर रहा है फ्रैंकलिन, गोल्डन मर्सिडीज? एक काम कर, तू फटाफट उस गाड़ी को लेके मेरे बंगले पे आ जा, मैं पैसे तैयार रखता हूँ। ओके सो गाइस, फाइनली यहाँ पर मैं बैरी के घर के बाहर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो इसका यार डोर भी ऑटोमेटिक वाला है। भाई साहब यार बैरी बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है। ओके सो यहाँ पर हम लोग इसके यहाँ पर विला में घुस चुके हैं और भाई साहब यार ये रास्ता कितना ज्यादा पतला है। अच्छा चलो मैं वहां से तो निकल गया। और गाइस यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैरी के पास कितनी सारी लग्जरियस गाड़ियां, ओ माय गॉड, आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो। ये सब छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत लग्जरी गाड़ी है इसके पास, लेकिन इसके पास कोई भी गोल्ड वाली गाड़ी नहीं है। चलो फटाफट जाके डील करता हूँ। अच्छा ये रहा बैरी। और भाई साहब यार यहाँ पर तो बैरी ने बहुत सारे पैसे तैयार भी रखे। क्या बात है यार बैरी, तू तो एकदम अपनी बात का पक्का है। हाँ फ्रैंकलिन, वो तो मैं हूँ, तुझे भी पता ही है। रुक मैं फटाफट गाड़ी चेक करके आता हूँ जो तू लेकर आया है। अरे वाह दोस्तों, इसकी गाड़ी तो देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। चलो फटाफट बैठ कर देखता हूँ कहीं ये मुझे चूना तो नहीं लगा रहा। अरे वाह, गाड़ी में तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी कम्फर्ट है और गोल्ड की मर्सिडीज का मस्त लग रही है। इंजन विंजन भी सब मस्त चल रहा है। फ्रैंकलिन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार लेके आया, मजा आ गया। चलो फटाफट से जाके फ्रैंकलिन को वो सारे पैसे दे देता हूँ। फ्रैंकलिन, मुझे तेरी गोल्ड वाली मर्सिडीज बहुत पसंद आई। यहाँ पर जितने भी पीछे पैसे रखे हुए हैं ये पूरे 100 करोड़ है, ये मैं तुझे देता हूँ, जायश कर। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर तो बैरी ने मुझे पूरा 100 करोड़ दे दिए। भाई साहब यार इतनी तो उस गाड़ी की कीमत नहीं थी, लगता है कि बैरी मुझसे कुछ ज्यादा ही खुश हो गया, इसके लिए दे दिया। चलो फटाफट अब यहाँ से निकलता हूँ। और यार बैरी, मैं तेरी ये रेड वाली कार लेके जा रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। चलो गाइस यार मुझे ना अब शिनचैन का बर्थडे मनाना है, तो फटाफट से सारा सामान लेकर घर पे पहुंचता हूँ और उसके दोस्तों को भी इन्वाइट कर देता हूँ। मस्त यार शिनचैन को एकदम अच्छा वाला सरप्राइज देंगे। दोस्तों यार शिनचैन को तो ऐसा सरप्राइज देने वाले यार, एकदम वो खुश हो जाएगा। और आप लोग को पता है क्या, उसको सरप्राइज पता ना चले इसके लिए मैंने उसको ऑगी के साथ बाहर भेज दिया है। सो गाइस यार यहाँ पर मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। चलो फटाफट जाके यार अपने कपड़े बदल लेता हूँ। कब तक यार इस फटीचर वाले हाल में रहूंगा, अब तो यार मैं पैसे वाला भी बन चुका, मेरे पास बहुत पैसा गया। तो चलो फटाफट कपड़े बदल देता। और भाई से भी यार आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एकदम मस्त वाला कोट पहन लिया, रेड वाला ब्लेजर, एकदम बढ़िया लग रहा हूँ, एकदम झक्कास लग रहा हूँ ना। और गाइस यार यहाँ पर बाहर आ गया हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या ही मस्त तैयारी हो गई यार शिनचैन की बर्थडे की। यहाँ पर बहुत सारा केक रखा है और यहाँ पर उसके दोस्तों को भी बुला लिया और सब लोग कितना पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, ये सब यार देख के शिनचैन तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे अगी, तुमने तो बोला था कि हम लोग साथ में फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन तुम तो खेले ही नहीं, वापिस घर पे लेकर आ गए। तुमने मुझे उल्लू क्यों बनाया, मुझे घर से दूर क्यों रखा? अरे शिनचैन, वो अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आओ यहाँ पर देखो। अरे ऐसा तो क्या है, मैं भी देखूं, यहाँ पर तो किसी की बर्थडे की तैयारी हो रही है और यहाँ पर तो सब लोग झूम घाम के नाच रहे। अरे किसका बर्थडे मना रहे हो आप लोग? सरप्राइज शिनचैन, हैप्पी बर्थडे शिनचैन, हम लोग तेरा ही बर्थडे मना रहे और तेरे लिए सरप्राइज रखा था। हैप्पी बर्थडे शिनचैन। अरे हैप्पी बर्थडे शिनचैन। अरे हैप्पी बर्थडे शिनचैन। अरे हैप्पी बर्थडे शिनचैन। हैप्पी बर्थडे शिनचैन। अरे थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और मेरे पास तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी है। यहाँ पर तो इतना बड़ा केक पड़ा है, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन भैया। शिनचैन यार कोई बात नहीं यार, तेरा बर्थडे मनाने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे। तो गाइस यार यहाँ पर तो शिनचैन को मैंने बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सरप्राइज दिया, बहुत सारी रेडियो कंट्रोल कार भी गिफ्ट कर दी, बहुत सारे गेम्स भी गिफ्ट किए। और भाई साहब यार आप लोग देख सकते हो शिनचैन कितना ज्यादा खुश है और पीछे भी लोग कितने ज्यादा खुश है। और दोस्तों अगर आपको भी आज की वीडियो में मजा आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट यार कमेंट में जाके सब लोग शिनचैन को हैप्पी बर्थडे विश करो जल्दी से।